हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अतुल एक बार फिर आप सभी के साथ और एक ऐसे काउंटर के बारे में बात करने जा रहा हूं जिस काउंटर ने आज बहुत ही कमाल दिखाया है। अब इस काउंटर में हमें क्या करना है, बाय होल्ड या सेल करना है, क्या करें, शेयर में रुकें, बेचें या फिर खरीदें। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, ये कोई और शेयर नहीं, ये है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। इस काउंटर के बारे में हम लोग बात करते हैं, इस काउंटर के बारे में डिटेल में हम आपको बताते हैं। बहुत ही ऑसम मूव दिया है आज इस काउंटर ने, और स्पेशली अगर मैं आपको फ्रैंकली बताऊं तो दोस्तों, कल ही मैंने अपने टेलीग्राम मेंबर्स को इसके बारे में बताया था। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको भी वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था लेकिन नहीं बना पाया। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पर ही डिस्कस कर पाते हैं, इतना सडन इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग आपको तुरंत ही वीडियो बना दें। बट टेलीग्राम पे हमने कल नाइट में मैं जब चार्ट्स को रीड कर रहा था तो मुझे लगा कि गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स जो है एक अच्छा पिक हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के लिए, और हमने 1 से 2 महीने का टारगेट रखा था स्टॉक का, लगभग 380 रुपीज़ का। लेकिन बहुत ही ऑसम मूव दिया स्टॉक ने, आज ही उस टारगेट को अचीव कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि मैं एक्चुअल में, वैसे तो मैं इस चीज़ को इतना नहीं करता लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी को उस चीज़ के बारे में बताया भी जाए। कभी कभी जनरली क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा। यहाँ पर GNFC इज़ अ गुड बाय एट करंट मार्केट प्राइस 337, स्टॉप लॉस 310, टारगेट 365 एंड सेकेंड टारगेट 405। 2 नवंबर, ये आप देखिएगा, हमने 2 नवंबर को ये पोस्ट किया था। कितने बजे? रात के 12 बजे, 12:46 रात में मैं जब काउंटर को देख रहा था तो रात में मुझे 12:30 बजे इस काउंटर में नज़र आई थी तेज़ी, और मैंने इसको शेयर किया। मैंने कहा भाई GNFC जो है वो 337.50 के लेवल पर चल रहा है, इस लेवल पर अगर खरीदा जाए तो पहला टारगेट 365 का हो सकता है और दूसरा टारगेट 405 का हो सकता है कमिंग डेज के अंदर। एंड आज बहुत ही शानदार मूवमेंट जो आज कंपनी ने दिया, स्टॉक ने दिया, आप देखेंगे। यहाँ पर हम लोग GNFC के बारे में देखते हैं। GNFC लगभग 13% ऊपर आज ही ये काउंटर चला गया, 383.5 का लेवल दिखा रहा है। लेकिन अब इस वीडियो को बनाने का जो औचित्य है वो यही है कि दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसके वापस अभी इस काउंटर के अंदर एंटर करें क्योंकि वो समय निकल गया, और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी, क्योंकि मैंने टाइम पीरियड हमेशा 1 से 3 महीने का देता हूं। बट चूंकि इतनी क्विकली ये टारगेट अचीव हो गया और अब ये काउंटर एंटर करने लायक नहीं है, सो GNFC पे फिलहाल आप लोग बच के चलिएगा। एक बहुत ही गैप अप कैंडल के साथ, गैप अप पैटर्न के साथ आज ये कैंडल ओपन हुआ है। काउंटर में अगला रेजिस्टेंस लेवल जो है वो करीब 392 से 395 के आसपास का है, और मुझे लगता है तकरीबन 400 के लेवल तक ये काउंटर, जो मैंने 405 के लेवल बताया था, 405 के लेवल तक पॉसिबली ये हिट कर सकता है अपकमिंग 2-3 डेज के अंदर या नेक्स्ट वीक, जो भी कुछ कह सकते हैं हम लोग। उसके बाद काउंटर में करेक्शन बनना चाहिए। मुझे लगता है जो बेस्ट बाइंग लेवल है वो वापस 337 से 340 का लेवल GNFC के अंदर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। फिलहाल आप लोग GNFC में बाइंग करने से बचेगा क्योंकि जिस तरह से काउंटर ने एक ही दिन में 14% का मूव दे दिया है वो एक बहुत ही कहना चाहिए कि एक अनएक्सपेक्टेड मूव है। ओके, और इस तरह के जब अनएक्सपेक्टेड मूव होते हैं, और आप देखेंगे एक बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ये गैप क्रिएट हुआ है, लगभग 24 से 25 लाख शेयर्स की खरीद फरोख्त हुई है, और उसमें लगभग 384.385 का आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी के साथ चल रहा है काउंटर। फिलहाल इसमें किसी भी तरह का फ्रेश बाइंग से आप लोग बचिएगा। यहाँ से बहुत 10 से 15 रुपये का मूवमेंट मुझे और नज़र आता है काउंटर के अंदर। उसके बाद काउंटर में मुझे लगता है कि करेक्शन आना चाहिए पॉसिबली, लेकिन अगर उसने 405 या 406 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी देन डेफिनेटली ये काउंटर 440 का लेवल भी टच कर सकता है। बट अब रिस्की है काउंटर, इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा हूँ कि फिलहाल अब इतनी बड़ी तेज़ी के बाद काउंटर को आप वेट करने दीजिए, कंसोलिडेशन का वेट कीजिए उसके बाद आप, क्योंकि काफ़ी दिनों से काउंटर 337-338 पर घूम रहा था। एंड कल सडनली हमें लगा जब काउंटर में एक अच्छी तेज़ी आने की चांसेस हैं तो रात के 12:30-1 बजे वीडियो बनाने का कोई सेंस नहीं बनता था, नहीं बन पाता, इसीलिए मैंने अपने एटलीस्ट टेलीग्राम मेंबर्स जो हैं तो मैंने उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि आप लोग
यूज़ कर सकते हैं इस लेबल्स को जीएनएफसी में, अगर आपको एक अच्छा मुनाफा कमाना है। सो डेफिनेटली जिन लोगों ने खरीदा होगा इसको अच्छा मूवमेंट मिला होगा, अच्छा प्रॉफिट भी मिला होगा। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे, एक दो चीज़ें मैं आपको और भी बताऊँगा। टाटा स्टील में देखिए, हमने 1 नवंबर को पोस्ट किया था, 557 करंट प्राइस था, स्टॉप लॉस था 545 और टारगेट हमने 580 टू 600 दिया था 1-3 मंथ्स के अंदर, लेकिन टाटा स्टील ने 580 का लेवल आज ही टच कर दिया सिंगल डे में, क्योंकि इसका कोई पता नहीं होता कि मार्केट में कब कितना तेज मूवमेंट आएगा, इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग का टाइम दिया जाता है 1-3 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम ये टारगेट अचीव होने के पूरे चांसेस है अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, एंड सिंगल डे में टारगेट अचीव हुआ था। उसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी बेटर टारगेट्स दिए थे, एंड उसके पहले हम लोगों ने आप देखेंगे कि हमने यहाँ पर एस्कॉट्स के भी टारगेट दिए थे। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी हमने 328 पर टारगेट दिया था तकरीबन 25 अक्टूबर को, स्टॉप लॉस 315 रुपये का था, मात्र 13 रुपये नीचे, और हमने टारगेट दिया था 360 का प्लस का 1-3 महीने के अंदर। आप देख सकते हैं 400 का लेवल स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ने टच किया, अल्टीमेट स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने नंबर पोस्ट किया जो भी मोमेंटम था उसको दिया। NBCC हमने 22 अक्टूबर को बताया था, NBCC एट करंट मार्केट प्राइस 53 रुपीज़, स्टॉप लॉस 45 एंड टारगेट 75 रुपीज़ 3-6 मंथ में, और अभी लगभग 60+ 61 रुपीज़ के आसपास फ्यू डेज में, जो कि हमने 22 अक्टूबर को बताया था, तकरीबन 8-10 दिनों में ही 53 रुपये से लगभग 62 रुपये के आसपास काउंटर आ चुका है। इसके अलावा हम लोगों ने एस्कॉट्स के बारे में भी बताया था, और ये मैं सभी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे आते हैं तो शॉर्ट टर्म कॉल्स हम लोग आपको वहाँ पर दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस। एंड यहाँ पर दिस वन एस्कॉट्स चार्ट्स आर टू गुड गोइंग फॉर द टारगेट 650 इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, 30 अक्टूबर को हमने बताया था, और आप देख सकते हैं एस्कॉट में 650 क्रॉस करके लगभग 680-685 के आसपास का टारगेट हिट हो गया। सो दोस्तों, इस तरह के छोटे शॉर्ट टर्म टारगेट्स भी हम लोग आपको टेलीग्राम पर शेयर करते हैं, तो अगर आप लोग चाहते हैं टेलीग्राम पर हमारे तक क्विक हेल्प लेना तो आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। बाकी वीडियोस में तो देखिए मैंने एस्कॉट्स के बारे में बताया, लॉन्ग टर्म फंडामेंटल बेहतरीन स्टॉक है, NBCC के बारे में भी बताया मैंने आपको, GNFC के बारे में भी ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एंड स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता चुका हूँ, रेडिको खेतान में मैंने अभी कॉल दिया था कुछ टाइम पहले ही कि रेडिको खेतान 400 का टारगेट टच करेगा, एंड आप देख सकते हैं 400 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो इस तरह के हम छोटे टारगेट, छोटे समय के टारगेट टेलीग्राम पर देते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग आपको वीडियोज़ के थ्रू बताते हैं कि कौन से काउंटर में हमें हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है आने वाले समय में। दोस्तों GNFC में फिलहाल मैं आपको रोकूंगा, अभी अब फ्रेश बाइंग का समय नहीं है, वेट करना पड़ेगा हमें फ्रेश बाइंग के लिए कंसोलिडेशन का, एक बार मार्केट में कंसोलिडेशन आ जाएगा GNFC में, देन हम बाई करेंगे। इसके अलावा मैं आपको GNFC में सितंबर नंबर के बारे में बता देता हूँ, काउंटर ने जो सितंबर नंबर पोस्ट किया 1641 करोड़ यानी 1641 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, नेट सेल्स थी, उसके अलावा जो PBT था लगभग 346 करोड़ के आसपास का PBT था, जो कि लास्ट सितंबर में 245 करोड़ का ही था, यानी लास्ट सितंबर से लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है कंपनी का। अगर हम जून क्वार्टर की बात करेंगे तो जून क्वार्टर में भी 274 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जो कि अब बढ़ गया 345 करोड़ हो चुका है, यानी कि YOY और QOQ दोनों ही ग्राउंड्स पर कंपनी ने बहुत ही बेहतर नंबर्स पोस्ट किए हैं GNFC में, और एक लोअर लेवल पर काउंटर ट्रेड कर रहा था 337, जिसको सडनली 14% अप करके काउंटर ने एक ऊपर लेवल पर ले गया है। अब यहां से मुझे लगता है आपको वेट करना चाहिए, 400-410 के आसपास से कंसोलिडेशन आ सकता है पॉसिबली, और अगर कंसोलिडेशन आता है देन डेफिनेटली आपको जो लोअर लेवल्स हैं वो वापस देखने को मिलेंगे, जहां पर आप उसको दोबारा से खरीद सकते हैं। मुझे लगता है काउंटर में अगर आपको वापस 340 के आसपास का लेवल मिलता है GNFC में, तब आप फ्रेश बाइंग बनिएगा। जिन लोगों के पास पोजिशन बनी हुई है GNFC की लोअर लेवल पर, वो 380-390 के आसपास कुछ पार्शल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, देन रेस्ट 410 के आसपास कुछ पार्शल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, और 410 के ऊपर की अगर क्लोजिंग आती है GNFC में, देन आप 440 के आसपास कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर आ सकते हैं काउंटर से। ओके, इसके अलावा अगर आप 6 मंथली नंबर्स को देखेंगे GNFC के, सो 6 मंथली नंबर जो है आप देखेंगे सेप्टेम्बर में काउंटर ने 3245 करोड़ का टोटल नेट सेल्स किया था, जबकि सेप्टेम्बर 17 ने कंपनी ने 2482 करोड़ का ही टर्नओवर किया था। सो ओवरऑल तकरीबन 800 करोड़ के आसपास का जो नेट सेल्स है कंपनी का इंक्रीज हुआ। उसके अलावा अगर आप प्रॉफिट्स देखेंगे बिफोर टैक्सेस, तो जहां पर लास्ट ईयर सेप्टेम्बर क्वार्टर में
कंपनी को केवल 350 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, वो अब बढ़ के 620 करोड़ का प्रॉफिट पहुंच चुका है। सो ओवरऑल सिक्स मंथली नंबर्स भी काफ़ी ऑसम है। FY19 के जब नंबर्स आएंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले एक साल के अंदर ये काउंटर आपको 500 प्लस के लेवल भी दिखा सकता है। ओवरऑल काउंटर इज़ वेरी गुड, करेक्शन जब भी हो डिप आएगा आप इस काउंटर में खरीदिए, लंबी अवधि के लिए रखिए, शानदार प्रॉफिट्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा 232.66 के लेवल पर आपको जो भी सितंबर 17 है उसमें प्रॉफिट नेट प्रॉफिट था जो कि बढ़ के लगभग 481 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। सो ओवरऑल फैंटास्टिक काउंटर है, बट फिलहाल आप फ्रेश बैंक से बचिएगा, हाई लेवल पर हायर पीक पे आप लोग प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, लोअर लेवल्स पर रीएड करने का वेट कीजिए। तकरीबन 340 का टारगेट रहेगा मेरा फ्रेश एंट्री लेवल का, अगर 340 के आसपास काउंटर दोबारा मिलता है देन आप फ्रेश बाइंग कीजिएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा। सो ये हमने बात बताई आपको GNFC के बारे में, और यहाँ पर हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि क्या करें इस शेयर के अंदर। तो क्या करें का मतलब है जिन लोगों के पास है वो पार्शल प्रॉफिट बुकिंग कीजिएगा, सेल करना शुरू कर सकते हैं पार्शली आप लोग, बाय करने की अभी जगह नहीं है। बाय अगर करना है, फ्रेश बाइंग करनी है, तो आपको लोअर लेवल्स का वेट करना चाहिए इस काउंटर के अंदर। ओवरऑल काउंटर इज़ वेरी गुड, इस काउंटर की यही सलाह है कि आप होल्ड कीजिए या फिर आप सेल आउट कीजिएगा हायर लेवल पर फ्रेश बाइंग से, पहले आप कुछ टाइम कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, उसके बाद ही आप इस काउंटर में एंट्री पोजीशन बढ़ाइए। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करते हैं कुछ और काउंटर की इन्फॉर्मेशन के साथ। टेलीग्राम पे जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट टर्म कॉल्स बताई जिन्होंने क्विकली आपको अल्टीमेट प्रॉफिट्स दिए, और इसी तरह की कॉल्स हमारी चलती हैं अभी, चूंकि अभी तक तो मार्केट बियरिश था, तो बियरिश मार्केट में जब क्या होता है जब आप कोई कॉल्स देते हो तो इतनी सडनली हिट नहीं होती हैं, लेकिन जब मार्केट बुलिश होता है तब किस काउंटर में हम एंटर पोजीशन ले कि हमें सडनली एक अच्छा मोमेंट मिले, एक अच्छा प्रॉफिट मिले। अगर आप उस चीज़ के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आइएगा और जुड़िएगा और हमारी सर्विसेज का लाभ उठाइएगा दोस्तों। सो अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार दोस्तों।